सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। सुकमावती सुकर्णो की तीसरी बेटी हैं। सुकमावती ने इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले स्टेट बाली में एक पारंपरिक प्रोग्राम सुधी वदानी के दौरान हिंदू धर्म को स्वीकार किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कई वीडियोस में सुकमावती धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करती हुई नजर आई। वीडियो में पुजारी को मंत्र पढ़ते और सुकमावती के ऊपर पवित्र जल छिड़कते हुए देखा जा सकता है। उनकी पारंपरिक तरीके से आरती भी उतारी गई और अन्य मान्यताओं का पालन भी करवाया गया। सुकमावती ने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदू धर्म को अपनाया है। आपको बता दें कि सुकमावती इंडोनेशियन नेशनल पार्टी की संस्थापक भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुकमावती के इस फैसले के पीछे उनकी दिवंगत दादी की प्रेरणा है, जो खुद हिंदू धर्म में यकीन रखती थीं। सुकमावती के वकील का कहना है कि सुकमावती को हिंदू धर्म की व्यापक समझ है, वो हिंदू धर्म शास्त्र के सभी सिद्धांतों और अनुष्ठानों की भी समझ रखती हैं। साल 2018 में सुकमावती को विवाद भी झेलना पड़ा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक ऐसी कविता कही है जिसके चलते इस्लाम का अपमान हुआ है। इसके बाद इंडोनेशिया के कट्टरपंथी मुस्लिम समूह इस मामले में एक्टिव हो गए थे और उन्होंने सुकमावती के खिलाफ ईश निंदा का केस भी दर्ज करवा दिया था। मामले के तूल पकड़ने के बाद सुकमावती को माफी भी मांगनी पड़ी थी। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इसके बावजूद यहाँ पर हिंदू संस्कृति का असर काफी प्रभावशाली है। इंडोनेशिया अपनी साझी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हिंदू धर्म इंडोनेशिया के 6 आधिकारिक धर्मों में से एक है और भारत, नेपाल, बांग्लादेश के बाद दुनिया में हिंदुओं की 4थी सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। यहाँ कई मंदिरों को भी देखा जा सकता है और दूर दूर से श्रद्धालु इन मंदिरों में पूजा अर्चना करने आते हैं। इंडोनेशिया के लोग महाभारत और रामायण को अपना ही ग्रंथ मानते हैं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। भारत के सौदागर और नाविक वहां जाते रहे हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत में काफी सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिलती हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर अब यूजर्स सुकमावती के हिंदू धर्म अपनाने को दक्षिण पूर्व एशिया में सनातन धर्म का प्रसार बता रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.